प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को काली मंदिर गोलघर पर यज्ञ हवन के साथ सुंदरकांड का पाठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की, जिसके संबंध में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी रमाकांत वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने में लगे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने जब से राम मंदिर का शिलान्यास किया है, पूरी दुनिया की निगाह भारत पर टिकी है। हम विश्व हिंदू महासंघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा, आपकी रेडियो का ट्रांसफर बीमारी का कारण बन सकता है। आपकी रेडियो का ट्रांसफर दिया जाए बीमारी का कारण बन सकता है। विश्वसनीय दो नंबर के बाद ये जानकारी राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर हवन यज्ञ, सुंदरकांड पाठ और इसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश का बागडोर संभाले हैं, तब से पूरी दुनिया का निगाह भारत के ऊपर है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को धर्म गुरु बनाने में लगे हुए हैं और उनकी विकास और धर्म दोनों उनके जीवन का एक अंग हो गया है। धर्म के साथ साथ विकास भी हो रहा है। पूरे भारत को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक करके विकास की धारा बहा रहे हैं और धर्म में जिस तरह से राम जन्मभूमि मंदिर का इन्होंने शिलान्यास किया, उसी तरह से आगे पूरी दुनिया का निगाह जो सनातन धर्म से जुटे हुए हैं, आर्य धर्म से जुटे हुए हैं, जैन धर्म से जुटे हैं और बौद्ध धर्म से जुटे हुए लोग हैं, ये सारे लोग काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर को भी इनके शिलान्यास का ही इनका देख निगाह से देख रहे हैं और ये इनकी जो विकास हो रही है ये चौमुखी विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की एक ऐसे लीडर हैं जो कि भगवान राम के अवतार के रूप में हम भगवान योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं और राजा दशरथ के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मानते हैं और इसी के साथ हम यहां पर हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रसाद वितरण करेंगे।